एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्किल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी सच दैट द वायर पासिस थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। तो एक ये वायर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया, ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? लैम्डा है। बहुत बढ़िया, तो ये लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का वायर ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वायर के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है कि वायर उसके सेंटर से पास हो रहा है। वायर कहां से पास हो रहा है बच्चों? सेंटर से। अच्छा, और कह रहे हैं कि वायर सेंटर से पास हो रहा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसे ये प्लेन सर्कुलर है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, तो ऐसे ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा तो वायर ऐसे सेंटर से जा रहा है ऐसे, और प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो सर्किल का प्लेन ये बनेगा ना, ये वाला, और वायर इससे क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आ रही? तो ऐसा कुछ है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा और कितनी वेलोसिटीज कर रहा? वी वेलोसिटीज कर रहा बच्चों, कुछ डिस्टेंस पे कर रहा होगा, मान लो वो डिस्टेंस क्या है? आर। तो हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द टर्म ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। तो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपान एल। मतलब वो लोग बोलते हैं द चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन की हमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। पहले सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो हमको तो ये पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स। किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, पक्का है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स मिले कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको यहां पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा होगा। अब अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का मास m है तो सेंट्रिपिटल फोर्स कितना हो उसको रिक्वायर्ड होगा? क्या लिख देंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए कितना सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा? एफ सी से लिख रहा हूं सेंट्रिपिटल फोर्स, ये कितना होगा? ये होगा एम वी स्क्वायर अपान आर। पता है ना, एम मास का अगर कोई बॉडी वी वेलोसिटी से आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कितना चाहिए? वो चाहिए एम वी स्क्वायर अपान आर। अब सोचिए सेंट्रिपिटल फोर्स किससे मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है भाई? निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव ये वायर। तो इस वायर की वजह से इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द वायर लगेगा। उस फोर्स से ही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स यहां मिलेगा। तो अब हमारा टारगेट है कि वायर से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हम फोर्स पता करें। भाई सबसे पहले तो ये समझो, इस वायर की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो आपको पता है। तो यहां पर लिख देंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्किल ड्यू टू वायर। वायर की वजह से इस सर्किल पे, क्योंकि सर्किल में जो जैसे ये वायर गया तो हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना सर्किल, तो इक्वल डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। और वो कितना होता है बच्चों? वो होता है ईज इक्वल टू लैम्डा अपान टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये फार्मूला होता ना, इज इक्वल टू लैम्डा अपान टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर, जहां आर उसकी होती डिस्टेंस। तो यहां भी यही होगा, पूरे सर्कल पे हर जगह वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शन तो
अलग अलग होगी, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड की ही बात करनी। अच्छा लिखेंगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सोचो बच्चा। F इक्वल टू क्या लगता है, QV, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगेगा EE, इसको मैं एफ ई से लिख रहा हूँ, एफ ई बराबर हो जाएगा EE की वैल्यू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। बट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स वाई दस एफ ई बराबर होना चाहिए एफ सी के। एफ ई किसके बराबर होना चाहिए, एफ सी के, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है, ये होना चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है तो। तो भैया ये चीज बराबर कर लो, एफ ई की वैल्यू यहां से रख दो, क्या है बच्चों, ये है ई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इज इक्वल टू, उधर क्या है भाई, उधर है एम वी स्क्वायर अपान आर। क्या मैं आर से आर को कैंसिल कर सकता हूँ इधर उधर से, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको मैं हटा दूँ, हटा सकता हूँ। तो ये नहीं कि अब हमें क्या मिल रहा है, सोचो बच्चा, बेटा यहाँ पे मिल रहा है ई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और हमको तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जब चाहोगे कट जाएगा, और ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब के बराबर क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ये आ गया ई लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी ई लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ गया। अब इसी का देखिए थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट ये कह रहा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो क्या दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ये पूरी चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। तो क्या ये y बराबर mx टाइप का दिख रहा, ये फंक्शन लैम्डा फंक्शन, और बाकी सब क्या है, कॉन्स्टेंट। ये किसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। तो इसका भी k और लैम्डा का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। k और लैम्डा का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। और इसका अगर कभी स्लोप लिखना पड़ जाए, स्लोप, तो स्लोप क्या होता था, यहाँ पे देखो होता था m, तो यहाँ पे ये स्लोप होगा, यानी कि क्या आएगा, स्लोप होगा e अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसका स्लोप आ जाएगा कर्व का, ठीक है। सो द वेरिएशन ऑफ k विद लैम्डा विल बी स्ट्रेट लाइन, क्यों, k डिपेंड करता है सीधा सीधा लैम्डा पे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों,